हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए, फिर अपनी क्लास को हम एकदम धमाकेदार तरीके से शुरू करते हैं। शाबाश, काफ़ी लोग उपस्थित हो चुके हैं एंड काफ़ी लोग जुड़ते भी जा रहे हैं। वेरी गुड, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा लंबी क्लास हो जाती है, इस वजह से हम कम टाइम में ही ज़्यादा चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ देखिए, आप लोगों को टाइमिंग बता दें, सुबह 8 बजे आपकी बीपीएससी ट्री वालों की क्लास हो रही है, 2 बजे आपकी राकेश गोस्वामी सर की फर्स्ट बुक के MCQs करवाए जा रहे हैं, और शाम को 7 बजे आपका राकेश गोस्वामी सर की सेकेंड बुक चल रही है, एंड रात को 9 बजे आपकी थर्ड बुक चल रही है। ठीक है, तो ये तीनों बुक जो हैं बेहद इम्पॉर्टेंट हैं सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो TGT हो, PGT हो, LT ग्रेड, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये तीनों जो टाइम हमने बताए, दोपहर में 2 बजे, शाम को 7 बजे, रात को 9 बजे, ये तीनों टाइम आप सभी को जुड़ना है। ठीक है, तो बताएंगे कि सभी लोग रेडी हैं क्लास करने के लिए, क्लास स्टार्ट की जाए। बताइए, हेलो, हाँ मौसी, क्लास चल रही है, हम अभी कर रहे हैं थोड़ी देर में। काट दो नहीं मौसी। सभी लोग बताएंगे, आवाज़ वगैरह क्लियर है? चलिए शाबाश। चलिए वेरी गुड, सभी लोग उपस्थित हो चुके हैं, अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए शाबाश। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके स्क्रीन पर, पूछा जा रहा है मुक्ति बोध की कविताओं पर आधारित चित्र किसने बनाए हैं? बताइए, रजा हुसैन, आरा, रविंद्रनाथ। बताइए फर्स्ट का क्या होगा। शाबाश, वेरी गुड, फर्स्ट का ही आंसर बिल्कुल धमाकेदार तरीके से आ रहा है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। मुक्ति बोध की बात हो रही है, हाँ आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है आपका हुसैन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, राजा रवि वर्मा काहे के लिए फेमस हैं? संगीतज्ञ के रूप में, चित्रकार के रूप में, मूर्तिकार के रूप में, छायाकार के रूप में। बताइए सेकेंड का क्या होगा। वेरी गुड, आंसर बहुत सही है, ऑप्शन बी, चित्रकार के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रसिद्ध, चलिए पूछा जा रहा है वह प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट जिन्हें 2014 में भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया था, बताइए कौन है वो। सुदर्शन पटनायक उड़ीसा के हैं, बद्रीनाथ आर यूपी, KP सक्सेना यूपी से, रामेश्वर डूटा दिल्ली से। क्या होगा आंसर? बहुत सही, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी, सुदर्शन पटनायक उड़ीसा से। ठीक है, वेरी गुड, नेक्स्ट है, बताइए। पूछा जा रहा है निम्न प्रसिद्ध चित्रों में से उस चित्र की पहचान करना है जिसके चित्रकार यामिनी राय हैं, अब बताइए कौन सा है। मंदिर पूजा एक तारा के साथ, देवकली, दूसरा है पहाड़ी दृश्य, तीसरा है बाउल जिसे हम साधु बोलेंगे, बताइए क्या होगा आंसर। बहुत सही, वेरी गुड, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाउल। ठीक है, ऑप्शन डी, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर पूछा जा रहा है आपसे, बताइए भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। हाँ सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए क्लास में, क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, टाइम से आएंगे कल से। ठीक है, ज़्यादा लंबी क्लास हो जाती है, इस वजह से हम टाइम से ही शुरू करेंगे अब। चलिए, भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर पूछा गया है, ये है आपका तिरुचिरापल्ली में श्री रंगनाथ स्वामी का मंदिर। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचिंग के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है? नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, बताइए क्या हो जाएगा आंसर सिक्स का। सब अरे भाई,
चलिए करेंगे सभी लोग। सिक्स का क्या होगा? क्लास करते टाइम कॉल ना आए ऐसा कभी नहीं हुआ है, किसी ना किसी का फोन जरूर आता है। चलिए बताइए क्या होगा सिक्स का? एचिंग के लिए किस अम्ल का यूज होता है? हेलो, हाँ मामा क्लास चल रही है, रुको थोड़ी देर में कर रहे हैं। कट दो मेरे से। हेलो सॉरी, चलिए करेंगे सभी लोग आंसर। चलिए ठीक है, हाँ कॉल आ गई थी इस वजह से। चलिए आ जाइए क्वेश्चन पे, क्या पूछा जा रहा है? किस अम्ल का यूज होता है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ये है नाइट्रिक एसिड, ठीक है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध फिल्म लगान के निर्देशक पूछे जा रहे हैं आपसे, क्या होगा बताइए? सेवेंथ का लगान के निर्देशक कौन है? आमिर खान, केतन मेहता, यश चोपड़ा, आशुतोष गावरकर, बताइए सेवेंथ का क्या होगा? बिल्कुल आंसर पे आएंगे फटाफट से, सेवेंथ का क्या होगा? शाबाश बिल्कुल सही दिया है, लगान की बात हो रही है, आशुतोष गावरकर, ठीक है ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, उस चित्रकार का मतलब उस कलाकार की पहचान करना है जिसे भारत का पिकासो कहा जाता है, कौन है वो जिसको हम भारत का पिकासो बोलते हैं बताइए? नंदलाल बोस, यामिनी राय, एफ हुसैन, राजा रवि वर्मा, भारत का पिकासो पूछा गया है। आपका आंसर बिल्कुल सही हो रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा, एम एफ हुसैन, ठीक है ऑप्शन सी। नेक्स्ट नेक्स्ट पे आते हैं, यामिनी राय को भी बोलते हैं, ठीक है याद रखना है। चलिए आंसर बताना है, यामिनी राय की कृति कृष्ण और बलराम का माध्यम पूछा जा रहा है। कार्डबोर्ड पर टेम्परा, कपड़े पर टेम्परा और कैनवास पर तेल, बोर्ड पर ग्वास, क्या होगा नाइन्थ का? नाइन्थ पे आइए, कृष्ण और बलराम का माध्यम पूछा गया है आपसे, आंसर होगा ये कपड़े पर टेम्परा माध्यम में बनाया गया है, ठीक है ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, पॉटरी के क्षेत्र में ख्याति नाम कलाकार कौन है? गुरुचरण सिंह, निर्मला पटवर्धन, इरा चौधरी, इनमें से सभी, पॉटरी की बात हो रही है एंड सभी लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत सही कर रहे हैं, शाबाश बहुत सही, ऑप्शन डी हो जाएगा सभी, ठीक है निर्मला, गुरुचरण, इरा, ये सभी, ठीक है। आगे आगे चलते हैं, सतीश गुजराल को भारत सरकार ने पद्म विभूषण की उपाधि से कब सम्मानित किया गया? 1990, 99, 11, 2, बताइए, पद्म विभूषण की बात हो रही है, हाँ आंसर करेंगे ऑप्शन बी, सभी लोग आइए फटाफट से। चलिए शाबाश, ऑप्शन बी 1999, हाँ ऐसे ही आगे आगे आना चाहिए, ठीक है आप लोग पीछे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलरंग के अंतर्गत वॉश पद्धति जापान से किस सदी में भारत आई? 20वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, बताइए 12 का क्या होगा? शाबाश, हाँ सभी लोग करेंगे आंसर फटाफट से। जापान से किस सदी में आई थी वॉश टेक्निक? ये आई थी आपकी 20वीं शताब्दी में, ठीक है ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हरी पट्टी किसका चित्र है? ग्रैनवा, डेगा, हेनरी मातिस, पिकासो, ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हेनरी मातिस, ठीक है। नेक्स्ट है, वी आर खजूरिया किससे संबंधित हैं? ये एक मूर्तिकार हैं बताइए, भोपाल, चंडीगढ़, जम्मू, नई दिल्ली, कहाँ से संबंधित है ये याद रखना है, आंसर करेक्ट होगा आपका ऑप्शन सी, ये एक क्या नाम है ये, जम्मू से, ठीक है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? रैनवार, देगा, माइकल एंजेलो, सेजा, बताइए। और क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक वाइक कर देना है फटाफट से, ठीक है थोड़ी सी भी क्लास पसंद आए फटाफट से लाइक करेंगे एंड जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो कर लेंगे। चलिए आंसर की बात करेंगे ऑप्शन सी, माइकल एंजेलो, बताना है। 3 मई किस कलाकार की प्रसिद्ध रचना है? बोनार, गोया, टर्नर, एडवर्ड मुंक, बताइए 16 क्या हो जाएगा आंसर? बहुत सही शाबाश, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग, 3 मई की बात हो रही है एंड आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है ऑप्शन बी, ये हो जाएगा गोया, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, मीरा का
लीजिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है मीरा का मेवाड़ त्याग नामक जो चित्र है जिसे यूनेस्को के द्वारा सारे संसार में प्रदर्शित किया गया और भारत सरकार ने उसे खरीदकर चीन जनतंत्र को भेंट कर दिया था, इसके चित्रकार कौन है। कुल मिलाकर पूछा जा रहा है मीरा का मेवाड़ त्याग किसका चित्र है। आंसर हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन ए दिया है, ये है J.M. अहिवासी, ठीक है, ये है जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है 1250 ईस्वी का है, इसका निर्माण किसने करवाया था। बताइए महेंद्र वर्मन, कृष्ण प्रथम, नरसिंह देव प्रथम, नरसिंह वर्मन, क्या होगा आंसर 18 का। बिल्कुल आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, नरसिंह देव फर्स्ट ने करवाया था इसका। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक ख्याति नाम वीडियो आर्टिस्ट कौन है। रेणुका, सुरेखा, रीमा बंसल, प्रतिभा देवी, बताइए सभी लोग आंसर करेंगे। हाँ आंसर की बात करेंगे, वीडियो आर्टिस्ट पूछा गया है, आंसर होगा आपका बिल्कुल फटाफट से करेंगे आंसर, हाँ ऑप्शन ऑप्शन बी सुरेखा। ठीक है, वीडियो आर्टिस्ट की बात हो रही है यहाँ पर। आगे कंपनी शैली में अधिकांश जो चित्र बने हैं वो कैसे हैं, लघु चित्र हैं, छवि चित्र, भित्ति चित्र, पोथी चित्र, बताइए क्या हो जाएगा आंसर 20 का। कंपनी शैली की बात हो रही है एंड जहां कंपनी शैली आएगी तो आंसर कहां दिमाग में क्लिक होगा, बताइए जल्दी से फटाफट से। हाँ आंसर की बात होगी आपके लघु चित्रों में। ठीक है, आगे मुगल काल का प्रसिद्ध चित्र है बाज पक्षी, जिसके द्वारा मतलब किसके द्वारा बनाया गया है, एंड बहुत सिंपल सा है, आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट मंसूर। ठीक है, आगे चलते हैं पहाड़ी शैली में सबसे प्राचीन चित्रकला शैली कौन सी है। ये भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, इस पर भी डायरेक्ट टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बताना है, पूछा गया है आपसे कि पहाड़ी शैली में सबसे प्राचीन चित्रकला शैली कौन सी है। गुलेर है, कांगड़ा है, चंबा है, बोली है, क्या हो जाएगा आंसर 22, शाबाश आंसर बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, ये है बशोहली। ठीक है, आगे चलते हैं बशोहली शैली के रागमाला पर आधारित जो अनेक चित्र बने हैं वो कहाँ पर सुरक्षित हैं। वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, नई दिल्ली, 23, चलिए वेरी गुड। रागमाला की बात हो रही है एंड आंसर की तरफ जाएंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, भारत कला भवन वाराणसी। ठीक है, आगे चलते हैं, चलिए पूछा जा रहा है आपसे नायिका भेद पर आधारित जो सर्वाधिक सुंदर चित्र बने हैं वो कहाँ बने हैं, बताइए नायिका भेद पर पूछे जा रहे हैं आपसे। बिल्कुल आंसर की बात करेंगे, बहुत सही, आप लोग बहुत अच्छा रिप्लाई दे रहे हैं, शाबाश, ऑप्शन ए ये है कांगड़ा। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं राजस्थानी शैली की सर्वोत्कृष्ट रचना कौन सी है। गीत गोविंद है, नायिका भेद है, रागमाला, व्यक्ति चित्र, 25, बताइए सभी लोग सर्वोत्कृष्ट रचना पूछी जा रही है आपसे एंड आंसर की बात कर लेंगे तो आंसर आपका आएगा राजस्थानी शैली की सर्वोत्कृष्ट रचना पूछी जा रही है एंड आपका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है राग माला। ठीक है, आगे अपभ्रंश शैली में किस रंग की अधिकता है, बताइए 26, हाँ अपभ्रंश शैली की बात हो रही है, कौन से रंग की अधिकता है, लाल, पीला, नीला, सुनहरा, आंसर होगा आपका बिल्कुल सही ऑप्शन डी, यहाँ पर हमें सुनहरे रंग की अधिकता मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बताना है छठवीं शताब्दी में सित्तनवासल गुफा में निर्मित 5 जैन आकृतियों को कौन सी शैली का आरंभ काल माना जाता है। पाल, अजंता, राजपूत, जैन, फटाफट से सभी लोग जुड़ जाइए एंड आंसर करना स्टार्ट कर दीजिए और जिसकी फर्स्ट क्लास हो, सब्सक्राइब वगैरह ना किए हों तो कर सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। चलिए हाँ बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही है ऑप्शन डी, जैन हो जाएगा। आगे नेक्स्ट यूनानी कला का टाइम पूछा जा रहा है कि यूनानी कला में अंधकार युग कब से कब तक था, बताइए 28 आ जाएंगे सभी लोग 28 पे। हाँ चलिए आंसर की बात करते हैं, अंधकार युग पूछा गया है ऑप्शन ए, ये 1200 से लेकर 900 ईसा पूर्व के बीच का टाइम हमें मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रारंभिक यूनानी कला का मुख्य केंद्र कौन सा था। ग्रीस, एथेंस, बेबीलोन, वेनिस,
बताइए। यूनानी कला का मुख्य केंद्र पूछा गया है आपसे, एंड आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये है एथेंस। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। मिस्री कला की लीजिए, बताइए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मिस्री कला की विश्व प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी है? आ जाओ जल्दी से। नेफरतिति की मूर्ति, पराओ की मूर्ति, अमरना से प्राप्त मूर्ति, अखनातेन की मूर्ति, किसकी है? आंसर मिल गया है आप लोगों को, फटाफट से करेंगे। 30 पे आइए फटाफट से आप लोग। शाबाश, ऑप्शन ए अन्नू पासवान, वेरी गुड। ऑप्शन ए नेफरतिति की मूर्ति, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट लीजिए, बताइए। गुप्तकालीन स्तूप पूछा गया है, कौन सा है? सिंध के मीरपुर खान का स्तूप, सारनाथ का धमेक स्तूप, रत्नागिरी का स्तूप, उपरोक्त सभी, क्या होगा 31? चलिए आंसर की बात करेंगे। शाबाश, ऑप्शन डी, ये सभी हैं। ठीक है, याद रखना है ये सब कहाँ के हैं, गुप्तकालीन स्तूप में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है। गांधार शैली में बनी बुद्ध जन्म की प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? पटना, लाहौर, भारत कला भवन, कराची संग्रहालय। 32 बताइए, 32 का क्या होगा? बुद्ध जन्म की प्रसिद्ध मूर्ति पूछी गई है गांधार शैली में, आंसर होगा पटना। ठीक है, चलिए आगे। गांधार कला कैसी है बताइए, बहुत बार पढ़ चुके हैं एंड टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। ठीक है, हाँ, ये आपकी कुषाण कालीन है। ठीक है, काल पूछा गया है। बफरिंग हो रही है क्या? चलिए अब नहीं होगी। ठीक है, आ जाओ। पी आर पोचकनवाला का फ्लाइट शीर्षक मूर्ति शिल्प किस माध्यम में है? इस्पात, कांस, संगमरमर, एल्यूमिनियम। 34 हाँ बिल्कुल, शाबाश, बहुत अच्छी रिप्लाई। ऑप्शन डी ये है एल्यूमिनियम। सच में आप लोग बिल्कुल से पका पकाया आम बन चुके हैं, बहुत अच्छी रिप्लाई आई है। आप लोगों का आंसर पहले से ही आ जाता है, एंड ये जो संकेत है ना, ये बिल्कुल से पके हुए आम की है कि बस अब खाने की देर है। नेक्स्ट है, मथुरा कला का स्वर्ण युग कौन सा था बताइए? कनिष्क, बताइए, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है एंड बहुत बार पढ़ चुके हैं। ऑप्शन ए ये है कनिष्क का टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आदिम कला कौन सी बताइए, कैसी है? अलंकरण कला है, सौंदर्यात्मक है, प्रतीकात्मक है, भावनात्मक है? एक बार सभी लोग कंफर्म करेंगे, क्या सभी के में प्रॉब्लम हो रही है बफरिंग की, या फिर केवल एक दो लोगों के बीच में है? मैम, हमने बिहार का एग्जाम क्वालिफाई किया था आपका क्लास करके, वेरी गुड। क्या नाम है? बलिंद्र कुमार, शाबाश, वेरी गुड, सब हो जाएंगे क्वालिफाई। ठीक है, इसको पढ़ते जाओ बस। ऑप्शन ए ये है अलंकरण कला। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है, आदि चित्रकला का उद्गम कहाँ से होता है? गुफाओं से। हाँ सब ठीक है, चलिए ठीक है, क्लास बढ़िया चल रही है। ठीक है, हो सकता है आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो। बताइए, आदि चित्रकला का उद्गम कहाँ से हुआ है? गुहाओं से, दुर्गों से, महलों से, स्तंभों से। 37 शाबाश, आंसर की बात करेंगे। ऑप्शन ए, अरे ऑप्शन ए ये है गुहाओं से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दाढ़ी वाला ध्यानी मानव, बहुत दिन बाद देखने को मिला है ये क्वेश्चन, है ना? बताइए कहाँ का नमूना है ये, बताओ। 38 ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? वेरी गुड, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये अपनी सिंधु सभ्यता से मिला हुआ है। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं, माइकल एंजेलो के गुरु पूछे जा रहे हैं, कौन है बताइए? सारे क्वेश्चंस एकदम सिलेक्टेड हैं एंड बिल्कुल जितना भी पढ़ाया जाता है एकदम सिलेक्टेड होता है, और इसको जिसने पढ़ लिया समझ लीजिए अमृत उसको मिल गया है, वो अमर होने वाला है सिलेक्शन पाकर। ठीक है, तो जितनी क्लासे करवा रहे हैं कोई भी क्लास मत छोड़िए, फिर आप चाहे कोई भी एग्जाम दे आइएगा, पीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी ग्रेड, कोई भी एग्जाम दे आइएगा, अच्छे से बस पढ़ लीजिए जितना हम करवाते हैं। हाँ, आंसर होगा आपका बिल्कुल ऑप्शन बी, ग्रीनलैंडी। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, तूलिका स्पर्शों के लंबे प्रयोग से चित्रों का निर्माण किस चित्रकार ने किया है बताइए? 40 का क्या होगा आंसर? चलिए आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन सी ये है सुधीर रंजन खास्तगीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकबर के समय बनी पहली सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन सी है बताइए?
बीबी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, लाल किला, मोती मस्जिद, बताइए। 41 आंसर की बात करेंगे, अकबर के समय बनी पहली सबसे महत्वपूर्ण इमारत पूछी गई है एंड आपका आंसर है ऑप्शन बी, ये है हुमायूं का मकबरा। ठीक है, नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो कहाँ पर हुआ था, बताइए। गौतम बुद्ध का जन्म पूछा गया है एंड बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। हाँ, जन्म पूछा गया है आपका, आंसर होगा ये कपिलवस्तु के लुम्बिनी जगह पे हुआ था, याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये पूछा जा रहा है। सिक्कों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, बताइए। चलिए आंसर पे आएंगे फटाफट से, बिल्कुल सही है, इसको हम न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं ये क्वेश्चंस अध्ययन वाले। नेक्स्ट है लीजिए, बताइए जौनपुर की जो अटाला मस्जिद है ये काहे के लिए फेमस है, ये पूछा गया है। इसमें शर्की सुल्तान इब्राहिम शाह ने बनवाया था और इसमें मीनारे नहीं हैं, इसमें तोरण द्वार बनाए गए हैं, पहले यह काली माता का मंदिर था, क्या सत्य है। पूछा गया है जौनपुर की अटाला मस्जिद फेमस क्यों है, प्रसिद्धि का कारण पूछा गया है, तो इसमें याद रखना है इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, इसमें मीनारे नहीं है इसलिए ये सबसे ज़्यादा फेमस है। और अटाला मस्जिद को बनवाया किसने है, कौन से वंश ने बनवाया है, ये आपको बताना है, जल्दी से फटाफट से करेंगे। एफिल टावर कहाँ है, बताइए। चलिए 45 को बताएंगे, एफिल टावर कहाँ है। चलिए आंसर की बात करते हैं, ये पेरिस में है, याद रखना है एफिल टावर की बात होगी। हबीब तनवीर किस क्षेत्र में विख्यात हैं एंड बहुत बार बता चुके हैं आपको, और एक बार हमने ट्रिक भी बताई हुई थी, एक नाटक आता था कबूल है, उसमें एक तनवीर नाम की लड़की थी, बहुत दुष्ट टाइप की थी और वो क्या करती थी, नौटंकी करती थी, नाटक। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे प्राथमिक रंग पूछा गया है, अमिश्रित रंग है, इंद्रधनुष के रंग हैं और धातु के रंग, प्राकृतिक रंग, बताइए कौन से रंग। हाँ, असद की फ्रेंड थी वो। हाँ बिल्कुल, जय भी बोलती थी उसको। बहुत फेमस हुआ था वो नाटक। हाँ 47 का क्या होगा, प्राथमिक रंग। हाँ आंसर की बात करेंगे, बिल्कुल सही है, आप लोग आंसर करते रहिए, बिल्कुल फटाफट से करते रहेंगे। ऑप्शन ए ये है आम मिश्रित रंग, ठीक है, मिश्रित नहीं होते हैं ये। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था, तक्षशिला, नालंदा, कन्नौज, वैशाली, बताइए क्या होगा। हाँ 48 का क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन ए ये है तक्षशिला। ठीक है, प्राचीनतम पूछा गया है और तक्षशिला कहाँ पड़ता है ये भी बताना है। नेक्स्ट है महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ हैं कौन से, कैसे हैं, मतलब रॉक कट मंदिर है, गुफा मंदिर है, चैत्य मंदिर है, संरचनात्मक मंदिर है। 49, बिल्कुल ऑप्शन ए ये रॉक कट मंदिर है, वेरी गुड, पाकिस्तान में है तक्षशिला। ठीक है, नालंदा कहाँ है, बिहार में है, याद रखना है। ठीक है, आगे भारत में आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है, किसको मानते हैं हम, बताइए। हाँ आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता पूछा जा रहा है, आंसर क्या होगा, बिल्कुल आंसर फटाफट से करते रहना है, शाबाश, आंसर होगा ऑप्शन सी, ये है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार किस फिल्म को मिला था, बताइए। 51 का क्या होगा आंसर, फटाफट से करेंगे एकदम स्पीड में। चलिए वेरी गुड, आंसर की अरे सर्वश्रेष्ठ 2022 की पूछा गया है, ठीक है, तो ये मिला था सोरराइट पोट्रू फिल्म को मिला था। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे कंप्यूटर एडिटिंग, बताइए कंप्यूटर एडिंग पेंटिंग इसका इस्तेमाल करने वाली पहली कलाकार कौन है। 52 अपर्णा कौर, अंजलि इलामेनन, लतिका कट, मीरा मुखर्जी, बताइए कंप्यूटर एडिंग पेंटिंग का इस्तेमाल, ऑप्शन बी ये है अंजलि इलामेनन। नेक्स्ट चिकन एम्ब्रॉयडरी इसके लिए कौन सा शहर फेमस है, उज्जैन, लखनऊ, सूरत, जयपुर। 53 एंड डेली आई क्लास 2 बजे दोपहर में और शाम को 7 बजे और रात में 9 बजे, ये तीनों टाइम होती हैं। 2 बजे आपकी राकेश गोस्वामी सर की फर्स्ट बुक चल रही है, 7 बजे दूसरी बुक चल रही है और रात को 9 बजे तीसरी बुक, तीनों टाइम आपके एमसीक्यूज़।
करवाए जा रहे हैं बिल्कुल धड़ल्ले से, इसलिए सभी लोग बिल्कुल से दमदार तरीके से तीनों टाइम की क्लास को ज्वाइन करना है, ठीक है। 50 का अवनी नाट होगा मान क्या, 50, एक सेकेंड, 53 का आंसर क्या होगा, चलिए इसको बता देते हैं पहले, ये लखनऊ के लिए, ठीक है, चिकन के लिए। नेक्स्ट पे 50 में बोल रहे हैं भारत में आधुनिक, एक सेकेंड, आधुनिक चित्रकला का जन्म, हमने रवीन्द्रनाथ बोल दिया, एक सेकेंड, ये अवनींद्रनाथ हो जाएगा, ठीक है, हाँ अवनींद्रनाथ ही होगा उसका, चलिए ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल कालीन प्रसिद्ध चित्र आपका पूछा गया है कि साइबेरियाई सारस, इसका चित्रण किसने किया है, बताइए क्या होगा आंसर आपका। मुगल कालीन प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का क्या पूछा है, आधुनिक पूछा था, अरे यार आप लोग ध्यान नहीं देते, आधुनिक बोला है ना तो रवीन्द्रनाथ ही होगा, ठीक है, यही सही होगा, हाँ आधुनिक बोला है उन्होंने, आधुनिक की बात हो रही है, चलिए हाँ साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया है बताइए, 54, चलिए 50, चलिए आंसर की बात करते हैं, फटाफट से आएंगे, हाँ हाँ ध्यान से पढ़ रहे हैं, ध्यान से ठीक है, हाँ चलिए आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन ए ये है मंसूर ने, ठीक है। आगे चलते हैं, राजसी वैभव किस चित्र शैली के चित्रों में दर्शाया गया है, बौद्ध, पाल, मेवाड़, मुगल, बताइए। हम थोड़ा सा स्पीड में रहते हैं ना, तो इस वजह से हम थोड़ा कम ध्यान दे पाते हैं, डायरेक्टली आंसर ही बताते हुए चलते हैं, ठीक है, हाँ आप लोग जैसे बोल देते हैं तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं जल्दी है। चलिए बताइए, राजसी वैभव किस चित्र शैली के चित्रों में दर्शाया गया है, ये पूछा गया है आपसे, हाँ आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये है मुगल, ठीक है, हाँ मुगल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय कला प्रदर्शनी प्रयागराज 2022-23 के दौरान किसे सम्मानित किया गया है, बताइए क्या होगा। 56, राकेश गोस्वामी, अवधेश मिश्र, बताइए। चलिए आंसर की बात करेंगे, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट होगा, राकेश गोस्वामी को जो है ना राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय कला प्रदर्शनी प्रयागराज 2022-23 के लिए सम्मानित किया गया है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, बोस्टन संग्रहालय में कौन सा सचित्र प्रतिलिपियां संग्रहित है, बताइए। 57, चलिए आंसर में आएंगे, गीत गोविंद, बाल गोपाल, स्तुति, राग रागनी, रागमाला, बताइए फटाफट से। 57, कौन सी सचित्र प्रतियां संग्रहित हैं आपके बोस्टन संग्रहालय में, एंड आंसर की बात करेंगे, सभी लोग फटाफट से आइए जल्दी से, आप लोग बहुत स्लो हो जाते हैं बीच बीच में, हाँ आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी, ये है रागमाला, ठीक है। नेक्स्ट है, काष्ट शिल्प का प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है नेटवर्क की, अच्छा चलिए बताइए, काष्ट शिल्पकार भगत राम कौन सी शैली के कलाकार थे, कांगड़ा, गढ़वाल, बंगाल, अपभ्रंश, बताइए। 58, चलिए आंसर की बात करेंगे, भगत राम कौन सी शैली के कलाकार, अच्छा शैली पूछी है इसमें, आंसर होगा आपका बिल्कुल ऑप्शन डी, ये है अपभ्रंश शैली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबोध गुप्ता कौन से क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कलाकार हैं, पेंटिंग, इंस्टॉलेशन, फोटोग्राफी, उपरोक्त सभी। 59, ठीक है बताइए इसको क्या होगा। चलिए सुबोध गुप्ता के लिए पूछी जा रही है कि काहे में फेमस है, पेंटिंग में भी, इंस्टॉलेशन में भी, फोटोग्राफी में भी, मतलब सभी में, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, किस संग्रहालय को समकालीन कला का मक्का कहा जाता है, नई दिल्ली, कोलकाता, प्रयागराज, हैदराबाद, क्या होगा आंसर। 60, हाँ चलो आंसर की बात करते हैं, समकालीन कला का मक्का पूछा गया है ना आपसे, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन, चलिए हाँ ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, राजस्थान में स्थापत्य कला के जनक कौन से हैं, बताइए। महाराणा प्रताप हैं, राणा कुंभा हैं, किशन सिंह राठौर हैं, अजय पाल हैं, कौन है 61 के। स्थापत्य कला के जनक पूछे हैं, राजस्थान में बात हो रही है, एंड आंसर अगर करेक्ट करेंगे तो हम आपका क्या करें, सभी लोग आंसर करिए, आप लोग चले कहाँ गए हैं भाई,
नेटवर्क की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है क्या? चलिए आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी ये है राणा कुंभा। आगे, निम्न में से संगमरमर पर सुनहरी नक्काशी कार्य के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? ब्रजलाल उदयपाल, लल्लू प्रसाद शर्मा, मोहम्मद हनीफ उस्ताद, बाबूलाल सिसोदिया। अच्छा, रुक जाती है क्लास, चलिए ऑप्शन सी ये है मोहम्मद हनीफ उस्ताद। हमें लगता है हम फास्ट बोल रहे हैं इस वजह से और रुक जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरावेजियो किस कला आंदोलन से संबंध रखते हैं? चलिए आराम आराम से बोलेंगे, पुनर्जागरण, रोकोको, बरोक, स्वच्छंदतावादी या फिर रोमांटिज्म। 63, बीच बीच में रुक जाता है। अच्छा चलिए, ऑप्शन सी ये है बरोक। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा स्पीड स्लो कर लेते हैं। किसके काल में पोथी चित्र में भीड़ भाड़ के चित्र बने हैं? अकबर, बाबर, जहांगीर, हुमायूं। चलो स्पीड थोड़ा सा लो करते हैं, आ जाओ। 64 का क्या होगा आंसर? भीड़ भाड़ के चित्र बने हैं, हाँ आंसर होगा आपका ऑप्शन ए अकबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शांति निकेतन में एक शिक्षण संस्थान की स्थापना किसने की है? राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर मदन मोहन मालवीय, नंदलाल बोस। किसने की है शिक्षण संस्थान की बात हो रही है? बताइए 65 का क्या होगा? चलिए आंसर की बात करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, आप लोगों की लैंग्वेज घूमने लगता है मैम नेट, पता नहीं क्या हो जाता है। चलिए पूछा जा रहा है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कि दरबारी चित्र किस मुगल शासक के समय से बनना प्रारंभ होते हैं? हुमायूं, शाहजहां, अकबर, जहांगीर। 66, बताइए सभी लोग फटाफट से। दरबारी जो चित्र हैं वो बनना शुरू होते हैं आपके, हाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है अकबर के टाइम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किशनगढ़ शैली के महान चित्रकार कौन थे? साहिब राम, निहाल चंद, ईश्वरी प्रसाद, शिवराम। 67, बताइए किशनगढ़ शैली। हाँ नेट को चक्कर आ रहा है इसलिए गोल गोल घूमने लगता है। चलिए 67 पे आइए, किशनगढ़ का बात हो रही है, यहाँ निहाल चंद फेमस है बनी ठनी के लिए। चलिए पूछा जा रहा है, थियोडोर रूसो किस शती के फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार थे? 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं। बताइए 68 का क्या होगा? थियोडोर रूसो की बात हो रही है, ये 19वीं शताब्दी में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे तो मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्र कौन से ग्रंथ में मिलते हैं? ये पूछा गया है, चौर पंचाशिका, सुपानसनाहचर्यम, रागमाला, रसिक प्रिया। बताइए 69, बिल्कुल आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, यह है सुपानसनाहचर्यम। हमें तो आप लोग घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए, किस चित्र शैली पर मुगल शैली का व्यापक प्रभाव रहा है? जयपुर, मेवाड़, जोधपुर, किशनपुर। बताइए, थोड़ी सा स्लो हो जाए तो बस बतियाने के लिए शुरू हो जाएंगे। ऑप्शन ए जयपुर शैली, स्पीड बढ़ाओ। बीकानेर शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन था? अली रजा, रुकनुद्दीन, हसन रजा, लूफे। बताइए 71, हाँ फटाफट से करेंगे, ऑप्शन ए अली रजा। ठीक है, आगे, राजा रवि वर्मा का निधन हुआ था कब? निधन की बात हो रही है, कब होता है? चलिए आंसर की बात करेंगे डायरेक्टली, 2 अक्टूबर 1906 को होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। गजगामनी चलचित्र का निर्माण किसने किया है? सत्यजीत रे, एम एफ हुसैन, महेश भट्ट, यश चोपड़ा। 73, चलिए आ जाओ जल्दी से फटाफट से आंसर पे। गजगामनी की बात हो रही है एंड आंसर है आपका एम एफ हुसैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास कला विद्यालय का प्रथम प्राचार्य कौन है? जे स्वामीनाथन, ई बी हेवल, अवनींद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हल्दार। बताइए 74, प्रथम प्राचार्य मद्रास के पूछे गए हैं, हाँ
बिल्कुल आंसर सभी के आए हैं, बिल्कुल सही, ई भी हैवेल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद कुमार स्वामी कौन थे? चित्रकार, कला इतिहासकार, फिल्मकार थे, कला समालोचक थे? कौन थे आनंद कुमार स्वामी? बहुत बार पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को भी। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, कला इतिहासकार थे। ठीक है आगे चलते हैं। पंचमढ़ी कौन से प्रदेश में है? एमपी में है, यूपी में है, राजस्थान में है, झारखंड में है? करेंगे सभी 76 एंड आंसर आपका मध्य प्रदेश में है। आगे, जगदीश गुप्त का नाम कौन से काल से संबंधित है बताइए? जगदीश गुप्त वही है खुदाई वाले, ठीक है, इन्होंने एक बुक भी लिखी है, बताओ जल्दी से क्या नाम है इनकी बुक का, छापो। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने अपने बाल्यकाल में हेमू का चित्र स्मृति से बनाया था? हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने? बताइए। सेवेंटी एट पे आइए फटाफट से। चलिए आंसर की बात होगी ऑप्शन बी, ये है अकबर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। विष्णुपुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, ये प्रसिद्ध काहे के लिए है ये पूछा गया है? मानना के लिए है, टेराकोटा के लिए है, बालूचरी के लिए, बालूचरी साड़ी के लिए है, या फिर सॉरी सांझी के लिए है? बताइए। 79 काहे के लिए फेमस है ये? बिल्कुल ये टेराकोटा मंदिरों के लिए। ठीक है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बिहार में प्रचलित अहपन इसका माध्यम कौन सा होता है बताइए? जल रंग, तेल रंग, मिट्टी के रंग, चावल के चूर्ण? बताइए। मम्मी का छौंका लग चुका है सब्जी में, बहुत भयंकर भंस लग रही है। बताइए 80 का क्या होगा? हाँ चलिए 80 पे आइए जल्दी से। बिहार में जो प्रचलित अहपन है इसका माध्यम पूछा गया है एंड आंसर होगा आपका मिट्टी के रंग, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं। किस स्थान से प्राप्त लोक चित्रों में कांच के टुकड़े और मूल्यवान पत्थर का प्रयोग किया जाता है? तंजौर, मुर्शिदाबाद, मिदनापुर, जगन्नाथपुरी? मैम क्लास नहीं चल रही, क्लास नहीं चल रही, तो ये नेटवर्क को पता नहीं क्या हो जाता है इतने टाइम। ऑप्शन ए तंजौर। एक सेकेंड हम देखते हैं क्या है प्रॉब्लम। क्लियर चल रहा है ना? ये क्या हो क्लियर चल रहा रहा है? हाँ क्लियर है, बिल्कुल सही है, हमारी तरफ से बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है हाँ, आपके में ही प्रॉब्लम है कोई, यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए 82 पे आइए। एक मधुबनी शैली का प्रसिद्ध कलाकार पूछा जा रहा है। हाँ 82 का करिए फटाफट से। बिल्कुल ऑप्शन सी भारती दयाल। आगे चलते हैं। चित्रकार नैनसुख कहाँ का रहने वाला था पूछा जा रहा है? नूरपुर, जम्मू, गुलेर, चंबा? 83 हमने अभी खोल के देख लिया है, वो बिल्कुल सही है। ठीक है आप लोगों के में ही प्रॉब्लम है। ठीक है ऑप्शन सी गुलेर। नेक्स्ट है, मुगल चित्रों के अतिरिक्त हाशिए कौन सी शैली में बनाए गए हैं? जोधपुर, कांगड़ा, बशोहली, कंपनी? 84 हाँ आंसर चलते हैं। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं, आंसर होगा आपका बिल्कुल सही ऑप्शन सी, ये है बशोहली। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार शालिवाहन ने बाद में किस मुगल दरबार में चित्रण किया है? जहांगीर, हुमायूं,
अकबर, शाहजहां, बताइए 85 का क्या हो जाएगा आंसर? 85। हाँ, आंसर की बात करेंगे ऑप्शन ए, जहां कीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लाइफ ऑफ वर्जिन क्या है? चित्र है, म्यूरल है, वुडकट है, मूर्ति शिल्प है, बताइए फटाफट से। द लाइफ ऑफ म्यूरल, अब स्पीड बढ़ा लो। ऑप्शन सी, वुडकट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुगल चित्रकला में मुरक्का किसको कहते हैं? वसली, पोथी चित्र, एल्बम, व्यक्ति चित्र। 87। ऑप्शन सी, ये हम एल्बम को बोलते हैं, जैसे अपने फोन की गैलरी होती ना वैसा। पूछा जा रहा है, मुगल चित्रकला क्या है? व्यावसायिक कला है, व्यक्तिगत कला है, संरक्षित कला है, स्वतंत्र कला है। 88 पे आइए। हाँ, मुगल चित्रकला एक तरह की क्या है? ये संरक्षित कला है। ठीक है, आगे। नायिका भेद और कृष्ण लीला मुख्य विषय रहे हैं कहाँ पर? ये रहे हैं ऑप्शन सी, किशनगढ़ शैली में। ठीक है, स्पीड 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 बढ़ाओ फटाफट से। बिल्कुल, आगे चलते हैं। हिम्मत शाह ने कहाँ से कला अध्ययन किया है? बताइए, कला का अध्ययन पूछा गया है। दिल्ली से, या फिर शांति निकेतन से, या फिर बड़ौदा से, या फिर बनारस से। हाँ, ऑप्शन सी होगा, एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा से। नेक्स्ट, मुगल चित्रों में जो प्रयुक्त रंग है वो कौन सा है? 91 पे आइए। चलिए, प्रयुक्त रंग पूछा गया है, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है टेम्परा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीकानेर शैली की एक विशेषता कौन सी है? वसली का चित्रण, ऊंट की खाल पर चित्रण, कपड़े पर चित्रण, ताल पत्र चित्रण। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम आप ही की तरफ है, हमें पता था। कलाकारी करने को कह दो, परेशान करते हो मैम को। बताओ क्या होगा 92? बीकानेर शैली की एक विशेषता, ऑप्शन बी, ऊंट की खाल पर चित्रण। नेक्स्ट, शिकार के दृश्यों के लिए प्रसिद्ध कौन सी शैली है? बूंदी, किशनगढ़, कोटा, बीकानेर। शिकार के दृश्य की बात हो रही है? बिल्कुल, ऑप्शन सी, ये है कोटा। ठीक है, जयपुर शैली का दरबारी चित्रकार, अरे भाई उड़ रहा है, बताओ, जो साहिब राम है वो काहे के लिए फेमस है, पूछा गया है आपसे। हाँ बिल्कुल, आंसर होगा व्यक्ति चित्रण के लिए। ठीक है, आगे। 1977 ईस्वी में बेल्जियम सरकार का ऑर्डर ऑफ द क्राउन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम गैर बेल्जियम नागरिक कौन थे? रवि वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर, सतीश गुजराल, एम एफ हुसैन। 95, बताइए। बिल्कुल, आंसर है आपका ऑप्शन सी, सतीश गुजराल। नेक्स्ट है, वर्ष 2005 में तैयब मेहता की पेंटिंग है काली सैफ्रोनॉट, भारतीय नीलामी घर, इसके नीलामी में कुल कितने मूल्य पर बिकी थी? 1 करोड़। भगवान, कितने भयंकर तरीके से बिकी थी, बताइए कितने भयंकर तरीके से बिकी थी, क्या होगा आंसर? 96 पे आएंगे सभी लोग फटाफट से, शाबाश। आंसर की बात करेंगे, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये 1.5 करोड़ में बिकी थी। ठीक है, क्या हो जाए? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रुप 1890 का संस्थापक कौन है? जे स्वामीनाथन, जे राम पटेल, हिम्मत शाह, राजेश मेहरा। क्या होगा 97 का, बताइए। 1890 का संस्थापक क्या होगा? ऑप्शन ए, जे स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्नी फर्स्ट तथा बर्ड एंड माउंटेन श्रृंखला के चित्रों के लिए प्रसिद्ध कौन है? गुलाम मोहम्मद शेख, जे स्वामीनाथन, राघव कनेरिया, केसीएस पणिक्कर। ऑप्शन बी, जे स्वामीनाथन। कला पत्रिका वृश्चिक, इसके संपादक कौन है? बताइए, जे एम शेख, के जी सुब्रमण्यम, डी पी राय चौधरी, इनमें से कोई नहीं, कौन है?
कौन है बताइए जल्दी से। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ए ये गुलाम मोहम्मद शेख। ठीक है आगे बढ़ते हैं। कोलकाता में पहली छपाई मशीन कब लगाई गई थी? 100 पे आइए फटाफट से। कोलकाता में पहली छपाई मशीन कब लगाई गई थी? चलिए आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सन 1780 ईस्वी में लगाई गई थी। ठीक है नेक्स्ट है, मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम हैं? बताइए आयाम पूछे गए हैं, 1 2 3 4। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, फटाफट से करेंगे, धीमे धीमे नहीं चलना है। हाँ सभी लोग किया करिए, धीमे धीमे चलते हैं। ऑप्शन बी, 2 आयाम है। ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा ली है किससे? अफ्रीकी मुखौटों से, गुफा चित्रों से, भित्ति चित्रों से, आदिम चित्रों से। क्या हो जाएगा आंसर बताइए फटाफट से, क्या होगा आंसर? चलिए आंसर की बात करेंगे, पिकासो ने पूछा गया है आधुनिक कला की जो प्रेरणा ली है वो किससे ली है? ऑप्शन ए, अफ्रीकी मुखौटों से ली है। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। फिल्म अभिनेत्री नंदिता दास, चलिए नंदिता दास किस चित्रकार की पुत्री है? रामदास, जतिन दास, सूरदास, श्यामदास। बताइए 103 क्या हो जाएगा आंसर? नंदिता दास किस पूछा गया है? हाँ आंसर की बात करेंगे, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है जतिन दास। ठीक है नेक्स्ट, भारत में एक्रेलिक रंगों की खोज किसने की है? सतीश गुजराल ने, रामेश्वर भूटा ने, राम कुमार ने, SH रजा ने। आंसर की बात करेंगे फटाफट से, तो क्या पूछा गया है? एक्रेलिक रंगों की खोज किसने की है पूछा गया है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन, एक्रेलिक रंगों की खोज, हाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, यह है सतीश गुजराल ने। ठीक है आगे चलते हैं। बॉम्बे ग्रुप की स्थापना 1957 में मुंबई में किसने की है? बताइए, हेब्बर ने, आरा ने, चावड़ा ने, इनमें से तीनों ने, किसने किया है बताएंगे सभी लोग? 105 का क्या हो जाएगा आंसर करेक्ट? हाँ आंसर की बात करेंगे, 1957 में हुई है और ये की है किसने? ऑप्शन ए, हैबर ने। ठीक है ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिन प्रतिदिन के जीवन तथा घटनाओं का चित्रण करने वाले चित्रकार कौन थे? हैबर, कुलकर्णी, अमृता शेरगिल, गोगिल। बताइए, बस 10 से 12 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट से करेंगे सभी। हाँ आंसर की बात करते हैं, दिन प्रतिदिन के जीवन तथा घटनाओं का चित्रण, हाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, ये हैबर। ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस कलाकार ने अपने करियर की शुरुआत बतौर फिल्म एडिटर के रूप में शुरू किया था? MF हुसैन, तैयब मेहता, जे स्वामीनाथन, ज्योति भट्ट। बताइए 7th का क्या होगा? फिल्म एडिटर से की थी किसने? 7th पे आएंगे सभी लोग फटाफट से। हाँ आंसर की बात करेंगे, फिल्म एडिटिंग की बात हो रही है तो ये हो जाएगा MF हुसैन। ठीक है क्या हो जाएगा? MF हुसैन हो जाएगा। एंड आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। त्रिनाले आयोजित होता है दिल्ली में, बंबई में, कलकत्ता में, मद्रास में। बताइए किसमें आयोजित होता है त्रिनाले? 108 आंसर की बात करेंगे, ये आपके दिल्ली में होता है। ठीक है ऑप्शन ए हो जाएगा, दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर जगदीश गुप्त, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल है, या फिर बताइए सभी लोग क्या हो जाएगा आंसर, कौन सा हो जाएगा? हाँ वासुदेव शरण अग्रवाल होगा या फिर असित कुमार हलदार होगा। हाँ 9th की तरफ बढ़ेंगे तो आंसर की बात कर लेंगे, आंसर हो जाएगा आपका, भारतीय कला पुस्तक पूछी गई, ठीक है ये होगा आपका वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ है? रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ है? तो रुचिका बहुत बार पढ़ी है, ऑप्शन ए ये गोवा में है। आगे, वर्ली चित्रकारी का संबंध किससे है? ये भी बहुत बार पढ़ा हुआ है, बताइए।
चलिए आंसर की बात कर लेते हैं, ऑप्शन बी महाराष्ट्र से। आगे एरेना किससे संबंधित है बताइए। ऑप्शन डी एनिमेशन से। ठीक है आगे बढ़ते हैं। एम एफ हुसैन ने अपने घोड़ों के चित्रण हेतु कहाँ से प्रेरणा ली है, क्या होगा बांकुरा के टेराकोटा हॉर्स से, गोरखपुर के टेराकोटा से, फ्रांज मार्क के नीले घोड़े से, इनमें से कोई नहीं। घोड़ों के चित्रण हेतु प्रेरणा पूछी गई है कहाँ से ली गई है। हाँ आंसर की बात करेंगे तो आंसर होगा आपका क्या बताइए सभी लोग, 13 पे आइए फटाफट से, आप लोग बहुत स्लो चलते हैं। हाँ ऑप्शन ए ये बांकुरा के टेराकोटा हॉर्स से। नेक्स्ट है वह कौन सी महिला है जो साहित्य के साथ चित्रकारी भी की है, किरण शर्मा, रचना शर्मा, महादेवी वर्मा, सविता श्रीवास्तव। चलिए आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा। लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ है कहां पर, दरबारों में, समाज में, युद्धों में, वेदों में। 15 बिल्कुल ऑप्शन ए दरबारों में। नेक्स्ट प्रसिद्ध लोक चित्रकारी मांडना कौन से प्रदेश से संबंधित है बताइए, मांडना पूछा गया है। मैम 106 का बता दीजिए। ठीक है बताइए मांडना पूछा गया है क्या होगा, चलिए बताइए मांडना। हाँ चलिए आंसर की बात करेंगे राजस्थान। ठीक है इस आराम आराम से चलेंगे। ठीक है निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री टैगोर परिवार से संबंधित है, कौन है जो टैगोर से संबंधित है, नंदना सेन, शर्मिला टैगोर, प्रियंका चोपड़ा, मधुबाला। एक दिन में 30 क्वेश्चन करवा दें बताओ आराम आराम से फुल टाइम देकर बताइए क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही है ऑप्शन बी शर्मिला टैगोर। ठीक है आगे चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद ने किया था, स्टेला क्रेमर्स ने, टर्नर ने, क्रिस्टो ने, नॉल्डे ने, क्या होगा 118 पे। चलिए हाँ आंसर की बात करेंगे हाँ नो मैम 30 तो बहुत ज्यादा है, 10 ही करवा दीजिए। हाँ ठीक है और 5 करवा देंगे। ठीक है एक दिन में ऑप्शन ए स्टेला क्रेमर्स, बुढ़ापा तो बहुत चरम सीमा में है। हाँ बताइए क्या होगा चंबा की रेखाएं कौन से रंग से बनाई गई हैं, चंबा की रेखाएं कौन से कलर से बनाई गई हैं बताइए। बिल्कुल ऑप्शन बी ये है लाल काला। ठीक है आगे रश्मि मानसा ग्रंथ की रचना किसने की है, अभिनव गुप्त ने, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ने, शंकराचार्य ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बताइए रश्मि मानसा ग्रंथ की रचना किसने की है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। यशोधर के चित्र सड़ंग की पुनर्व्याख्या किसने की है बताइए, राजा रवि वर्मा, सतीश गुजराल, रवि अवनीनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, क्या होगा 121। ऑप्शन सी हो जाएगा अवनीनाथ टैगोर। नेक्स्ट बूंदी शैली के चित्रों में कौन से प्रकार का रंग अधिक यूज हुआ है, बूंदी की बात हो रही है, खनिज, चटक, रासायनिक, सोना चांदी, बूंदी की बात हो रही है तो ऑप्शन डी हो जाएगा सोना चांदी। नेक्स्ट है कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है, अयोध्या, जौनपुर, गुजरात, मांडू। 123 बताइए सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी ये जौनपुर की है। ठीक है भारतीय पुनरुत्थान कालीन कला की विशेष उपलब्धि क्या थी, वॉश टेक्निक, तैल चित्रण, भित्ति चित्रण, स्वाभाविक चित्रण बताइए। 124 पे आएंगे बिल्कुल ऑप्शन ए होगा यह है वॉश
टेक्निक। ठीक है, आगे चलते हैं। कोलकाता में काली मंदिर के निकट बिकने वाले पटचित्रों को क्या कहा जाता है? पता है इस टाइम पर किसका नेटवर्क स्लो है? राम बाबू त्रिपाठी का स्लो है, और फिर बाद में कहेंगे मैम गोल गोल घूम रहा है। हाँ, इसी के नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही है। बताइए 125 का क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी, ये है काली घाट पेंटिंग। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ से आपके 125 हो जाते हैं। अब आपको बताना है इसमें से कितना स्कोर किया है। इस डिब्बे में आप लोग क्या भरेंगे स्कोर का, बताइए जल्दी से। 125 में क्या किया है, फटाफट से बताएंगे। हाँ, सभी लोग करेंगे मैम। 106। अच्छा हाँ, 106 की बात हो रही थी। दिन प्रतिदिन के जीवन तथा घटनाओं का चित्रण करने वाले चित्रकार कौन थे? बताओ सभी लोग कौन थे? दिन प्रतिदिन के जीवन तथा घटनाओं का चित्रण करने वाले चित्रकार पूछे जा रहे हैं। ये के एस कुलकर्णी थे, है ना? हैब्बर तो थे नहीं, अमृता शेरगिल भी नहीं, गोगिन भी नहीं, कुलकर्णी। ऑप्शन बी 122। वेरी गुड। 125 में 125, अनु पासवान। वेरी गुड, बहुत अच्छा रहा। 122 प्रेम किशोर, बहुत सही। विनोद के 115 हैं, अस्मिता के अपने जाबेर बताया है। जाबेर कौन है भाई? ठीक है, 125 में 125, शाबाश। 122 प्रेम किशोर, बहुत अच्छा स्कोर जा रहा है आप लोगों का, शाबाश। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आंसर है आपका, एंड बहुत अच्छा मतलब स्कोर गया है। अच्छा, चलिए ठीक है, समझ गए मैम। 98 से स्टार्ट किया है और सारा सही हुआ है, शाबाश, वेरी गुड। 112 है मोहम्मद भास्कर के। और चलिए, क्लास सभी को पसंद तो आ रही है ना? सभी लोग फटाफट से लाइक करेंगे। ठीक है, सभी लोग फटाफट से लाइक करेंगे, और जो बच्चे चैनल पे नए हैं फटाफट से सब्सक्राइब भी करेंगे, एंड जो दिल को प्रेस नहीं किए हुए हैं फटाफट से करिए, उड़ाइए जल्दी से। हाँ बताइए क्या होगा। उड़ाएंगे सभी लोग फटाफट से एक बार। सभी लोग इन तीनों में से जिसके पास कुछ नहीं है फटाफट से कर दो जल्दी दौड़ लगा के, और लास्ट में कमेंट में जरूर बताना है कि क्लास कैसी है। मैम जी मैं न्यू हूं। तुषार जी काहे को झूठ बोल रहे हैं, झुट्टू। रोज कमेंट आते हैं, रोज मैसेज आते हैं, और मैं न्यू हूँ। ओल्ड हो चुके हैं, बुढ़ापा नजदीक है आपका। हमारे तो दो ही सही हुए हैं आज, वाह। शाबाश मैम, मेरा नाम नहीं लेती। हाँ गायत्री जी से हमारी दुश्मनी है, हमारे तो सींग जमे हुए हैं। गायत्री जी को हमने एक बार मार दिया था लड़ाई हो गई थी चलिए मैम, एग्जाम को कुछ इतना पता नहीं है, बस पढ़ते रहो, कभी भी हो जाएगा। जिस दिन दिमाग सनक गया मतलब मूड फिर गया, उस दिन समझ लो एग्जाम ही रखा है आपका। ठीक है मैम, मेरा 125 है, शाबाश, वेरी गुड। चलिए, अरे इस दिल को नहीं भेजना है भाई, अलग से साइड में बना हुआ है, कमेंट बॉक्स के जस्ट बगल में बना हुआ है, जहां आप लोग ये मैसेज टाइप कर रहे हैं उसके जस्ट बगल में छोटा सा प्यारा सा ऐसे बना हुआ है, इसको उड़ा दीजिए, ऐसे ऐसे उड़ने लगता है, फिर उसको प्रेस करना है। ये वाले दिल नहीं भेजने हैं। नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हंसी में बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ मैम मेरा नाम नहीं लेती हूँ, रवि कुमार। ये तो डेली वाले बच्चे हैं। ये डेली इनकी जो मूर्तियां हैं, डेली मतलब इनकी चेहरे डेली दिखते हैं। जैसे ये हो गए पूरे, अस्मिता हो गए, और प्रेम किशोर, कोमल, और ये कौन है, द रिसेंट पुलिस, इसके तो बहुत दिन से देख रहे हैं। रवि हो गए,
और भी हैं, ये तुषार हैं, गायत्री हैं, अनु पासवान, ये भी बहुत ओल्ड हैं, मतलब जितने अभी दिख रहे हैं ना सबके सब ओल्ड हैं, एक दो लोग न्यू हो तो न्यू हो, नहीं सब ओल्ड स्टूडेंट हैं हमारे। मैम एक दिन सबका नाम ले लीजिए, क्लास नहीं लीजिए, हाँ ऐसा ही करते हैं, एक दिन क्लास रखते हैं उसमें केवल नाम ले लेंगे, नाम ले लेते बढ़िया से, आप लोगों की जो ये चैटिंग चल रही है ना इन्हीं की स्क्रीनशॉट ले लेके पूरा दिखाएंगे कि देखिए इन्होंने ऐसा कमेंट किया हुआ था, इन्होंने ऐसा किया हुआ था। तुषार सर आपकी शिकायत बहुत आ रही है। काहे तुषार सर ने क्या कर दिया भाई। चलिए 120 हुए हैं कोमल ठाकुर के, वेरी गुड। डेली वाले कहाँ हैं मैम? मैम मैं पुतुल ये लोग क्या लिखते हैं मैम, देखिए क्या लिखा है मैंने, सुनिए। मैम मैं पुतुल हूँ, नया क्लास ज्वाइन की हूँ। अच्छा अच्छा चलिए बढ़िया, अच्छी बात है, जिसकी फर्स्ट क्लास है, जिसकी फर्स्ट क्लास है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है ना वो टाइम से मिल जाए करें, ठीक है। हाँ रेखा रानी आज छूट गई थी रेखा रानी, चलिए संतोष चौहान, अस्मिता, चलिए सभी लोगों को अब गुड नाइट, जाइए आराम से खाना पीना खाइए, ठीक है, आज हमें बहुत तेज़ भूख लगी है, आज हम जा रहे हैं खाना पीना खाने, ठीक है चलिए। और रात को 9 बजे क्लास होगी ना, उसको नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी, ठीक है। हाँ विश्राम सर नहीं दिख रहा है आजकल, चलिए चलिए क्लास ऑफ करते हैं, ठीक है।